सेंसर वायर है हमारी, अभी बाहर है, अभी हम गियर डालते हैं। देखिए अभी यहाँ पर देखने को, तो आज एक वायरिंग की तार को मैं SM-BS6 का प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु बाइक ब्लॉग। अभी हमारे पास है पल्टीना BS6 बाइक है, जो E20 BS7 BS6 वाला बाइक है, और इसमें कुछ ऐसा समस्या हो रहा है कि बाइक, इस बाइक वाले जो खरीदे इस बाइक को, वो बाइक को चलाने के ना कर रहे, वो बाइक नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि उनको बहुत तगड़ा इसमें समस्या दिख रहा है। समस्या ये है कि इसका साइड स्टैंड, जब तक हम ऊपर रखे बाइक चल रही है, लेकिन इस स्टैंड से 2 से 3 बार गिर गए हैं, और कहीं का नाम है कि हमारा साइड स्टैंड इसको हटाना है। तो ये बाइक ले गए थे एजेंसी में, लेकिन वहाँ भी नहीं हटा, कस्टमर मैकेनिक पास कहीं देखा है, वो भी नहीं हटाए। उन लोग का कहना है कि ये जो सेंसर कंपनी दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं हट सकता। तो ये भाई हमारे वीडियो देख के हैं, पूरे 30 किलोमीटर बाइक चला के मात्र में 1100 बाइक चली हुई है। अभी इस साइड स्टैंड सेंसर को हम हटा के दिखाने वाले हैं किस तरीके से हटा सकते हैं। अगर साइड स्टैंड को हम हटा रहे हैं तो क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, उसके साथ साथ आपको बताएंगे। और ये साइड स्टैंड सेंसर का क्या काम है, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये काम कुछ ऐसे करता है, हम बाइक को मान लीजिए स्टार्ट कर दिए, बाइक के इंजन में स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे गियर डालते ही बाइक बंद हो जा रही है। तो इसमें क्या करना है कि गियर डाले तो बाइक बंद रहे। अभी समस्या कस्टमर का हो रहा है कि कभी कभी स्टैंड लगाना भूल जा रहा है, उसके लिए ये 5 से 7 किलोमीटर बाइक को ठेले भी हैं, गियर लगा रहे थे बाइक बंद रहती थी, लेकिन उनको समझ में नहीं रहता। तो ऐसा सिस्टम उनके पल्ले नहीं पड़ रहा, उनका कहना है कि ये सिस्टम हम निकाल दीजिए। कई बार हम भुला के अपनी बाइक को ठेले ले जाते हैं, हमको ध्यान में नहीं आता स्टैंड लगाए हैं कि मारे हैं, और उस कंडीशन में बाइक तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गियर डालते ही बंद हो जाती है। तो उसको निकालना कैसे, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले इसको वीडियो भी डाल चुका हूँ जो पल्सर के ऊपर है, और उस पर हमारे एक मैकेनिक भाई का काफ़ी कमेंट आया था और काफ़ी था, उनके पास भी पल्सर आया था। तो ये वाला जो देख रहे हैं पीला कलर का वायर, और यहाँ पे थोड़ा एक पीला है गुलाबी, और एक यहाँ पे रेड थोड़ा ब्लू है। तो उनको इस वायर का समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें हम किस तरीके से इसको हटाएं, किस तरीके से डायरेक्ट करें, सेंसर को कैसे डिसकनेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ तक कनेक्ट रहता है। अगर आप यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं तो किसी भी BS6 बाइक को आप स्टैंड सेंसर साइड में कर सकते हैं, मतलब सेंसर को हटा डिसकनेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर से उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप ये समझ लेते हैं, अगर मैकेनिक है तो इसको आराम से आप कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इसको करते टाइम। तो यहाँ पर इस वायर को देखिए, यहाँ पर जो पीला कलर का है थोड़ा ब्लैक है, उस वायर को देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये हमारी बाइक का कहती है पेट्रोल को रोक देता है, और यहाँ पे करंट को डिसकनेक्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक बल्ब जा रहा है, उसके हम स्विच ला कर रखे हैं, और बल्ब जा रहा है, स्विच को दबाएंगे तो बल्ब का होगा बुझ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका स्टैंड काम करता है। हमने तो बाइक तो स्टार्ट कर दिया, साइड स्टैंड नीचे गियर डालेंगे तो गियर बंद हो जाएगी, और वहीं पर साइड स्टैंड ऊपर कर देंगे तो बाइक बंद नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए पीला और ब्लैक है, और यहाँ पे इसका इंजन वाल टेम्परेचर सेंसर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वायर है, एक यहाँ पे ब्लैक है और वाइट है, और यहाँ पे एक पीला और ब्लैक है। यही वायर सेम देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे टोटल सेंसर इसका देखिए, टोटल सेंसर में क्या दिया है इसका, यहाँ पे पीला ब्लैक और यहाँ पे दिया है ब्लू और रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीला और ब्लैक दिया है, और यहाँ पे रेड ब्लू, देखिए सेम जो वायर है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, बहुत ही तगड़ा वाला वीडियो है। यहाँ पे अगर सब कोई आपको नहीं समझा पाएगा, और नहीं भी है इसका सेंसर डिस्कनेक्ट करने को आपको बता पाएगा। यहाँ पे दो वायर आप समझ लीजिए, जो यहाँ पे दो वायर हमने दिखाया है, सेम वायर, एक यहाँ पर टोटल वायर सेंसर में है, और दो वायर टोटल सेंसर में इसका, देखिए एक दो यहाँ पे, एक आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है आपको पीला और ब्लैक और रेड ब्लू, सेम वायर यहाँ पे स्टैंड सेंसर में इसका दे रखा है, ये जो स्टैंड सेंसर है इसमें दे रखा है। अब यहीं पे हम सेम वायर आपको दिखाएंगे इसका, ये सेम और इसका इशू में सेम वायर, यही वायर। अब यहाँ पे देखिए सेम वायर जो हमने दिखाया है, पीला और ब्लैक दिखाया है, सेम वायर आपको यहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है पीला और ब्लैक, यहाँ पे देखिए साइड में पीला और ब्लैक, और यहाँ पे रेड, और यहाँ पे थोड़ा ब्लू देखिए, इसके नीचे है रेड और ब्लू, सेम यही वायर है जिसके वजह से उसमें स्टैंड में काम करता है। जब भी आप गियर डालते हैं तो सेंसर ऐसे काम करता है कि आपको बाइक को बंद करता है, साइड से नीचे रहता है, वहीं पर उठा देते हैं तो समझिए चुम्बक के साथ चपक जाता है और आपकी बाइक में करंट आने लगती है। उसको हटाना कैसा है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस जर को बाहर कर देंगे यहाँ से, सही है, इस जर को आपको बाहर कर लेना है। अभी यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं, देखिए अभी बाहर निकल गया, लेकिन हम अभी ये डायरेक्ट नहीं हुआ, अभी इसका कनेक्शन जो है अभी है, बाइक को चालू किए, चालू हो गया। अभी देखिए बाइक इंजन चालू है, यहाँ पे चालू है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ फर्स्ट गियर डालेंगे आगे वाली, देखिए बाइक बंद हो गई। जैक छोड़ाने पे बाइक तो स्टार्ट है, सही है, लेकिन यहाँ पे जब तक हम बाइक को न्यूट्रल नहीं करते हैं तब तक हमारी बाइक बंद पड़ जाएगी, और वहीं पर न्यूट्रल करके करें तो स्टार्ट हो जाएगी। समस्या कुछ इस तरीके से है, और इसका जो हमने जब तक हम इसको कनेक्शन नहीं देते हैं, देखिए यहाँ पे 3 वायर है, लेकिन कोई 2 वायर को हमको कनेक्शन देना ही होगा,
जब तक हम कनेक्शन नहीं देंगे तब तक हमारी बाइक का सेंसर हटेगा नहीं, और जब हम कनेक्शन दे देंगे तो बाइक का सेंसर हट जाएगा। जैसे कि हम किसी बल्ब को जलाएं और उसमें स्विच ला कर रखें और स्विच ख़राब हो गया, इसकी वजह से बल्ब नहीं जल रहा, तो हम क्या करेंगे उस स्विच को साइड कर देंगे और उसको डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए वो बूतेगा नहीं, वो डायरेक्ट हो गया बल्ब, बूतेगा नहीं, और चाहे तो स्विच लगा सकते हैं चाहे तो हटा सकते हैं। उस कंडीशन में इसी तरीके से यही काम करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वायरिंग का तार लेंगे दोस्तों। वहाँ पे आप उस सेंसर को हटाने से पहले यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि वहाँ पे तीन वायर देख रखा है जबकि सिंगल जैक है, लेकिन यहाँ पे कोई जैक नहीं, और यहाँ पे देखिए मात्रा में यहाँ पे दो वायर दिया है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर ये नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, तो BS6 बाइक को आप रिपेयर नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में काफ़ी परेशानी होगी और आपको बाइक सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे समझ लीजिए, ताकि मान लीजिए इस सेंसर की वजह से कभी बाइक बंद पड़ जाती है तो आप उसको कैसे सही कीजिए। अभी तो बाइक बंद नहीं पड़ी, अभी स्टार्ट है तो हम इसको कर रहे हैं, लेकिन अगर बाइक बंद पड़ जा रही है और आपके पास बाइक जा रही है तो उसको किस तरीके से सही करना है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दो वायर है, यहाँ पे दो वायर पे ये सेंसर ये दर्शा रहा है कि आप दो वायर से बाइक को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम BS4 बाइक को चला रहे हैं और उसका चाबी बिला गया तो हम उसको वायरिंग के तार की मदद से डायरेक्ट करके कहीं भी जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। अब उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि इस दो वायर को ही आपको कनेक्शन देना है, ना कि तीन वायर को। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें तीन जैक है, यहाँ पे तीन वायर है, देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे तीन वायर है, यहाँ पे दो वायर है, सही है। इस जैक में तीन वायर है, इस जैक में दो वायर है, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको कि इस यहाँ पे रेड जो ब्लू दिख रहे हैं इसका कनेक्शन दिया ही नहीं है। एक कनेक्शन देता है यहाँ पे आपको जो पल्सर BS6 बाइक आता है और उसमें देता है, अब BS7 जो आ रहा है उसमें तीन वायर देता है, लेकिन इस बाइक में सिर्फ दो वायर दे रखा है। क्यों? इसमें फ्यूल पंप मोटर नहीं है, सिर्फ इसमें यहाँ पे कार्बेटर सेंसर वाली कार्बेटर है, इस वजह से एक वायर का कनेक्शन हटा दिया है। और वहीं पे पल्सर का बात करें, स्टेशन को ऊपर करें तो फिर कनेक्शन चालू रहता है और आपकी बाइक चलने लगती है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे दो वायर को कनेक्शन देंगे और आपकी बाइक जो है बिना सेंसर का चलने लगेगी। तो हम दो वायर को कनेक्शन कैसे देंगे, वायरिंग के तार के मदद से देंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो इस मल्टीमीटर के जरिए हम चेक करेंगे कि अभी इस वायर में कितना वोल्टेज बता रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पर यहाँ पे 20 पॉइंट जो दिखा रहा है इस पर कर लेना है, और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि बैटरी का इसमें सप्लाई कितना तक का दे रहा है, 12 वोल्ट का आ रहा है, 4 वोल्ट का आ रहा है, या 9 वोल्ट का कितना तक आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका रेटिंग सही हुआ था, यहाँ पे 12 वोल्ट का नहीं दिखाएगा, यहाँ पे 4.16 या 7 दिखाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ये जो मेन वाला हम वायर लेकर रखा है, यहाँ पे पिरा में डाल देंगे, और एक वायर रेड छोड़ के हम इस वाला देखिए यहाँ पे जो वायर दिया है गुलाबी में डाल देंगे। तो अभी देखिए कितना आ रहा है, 4 पॉइंट यहाँ पे 17 आ रहा है, 8 आ गया, 7 आ गया, बस इतना आ रहा है। तो यहाँ पे इस वायर में बैटरी का एकदम हल्का मात्रा में करंट दिया है। तो उसको क्या करेंगे, हम इसको अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से सही करना है, कैसे मतलब इसको सेंसर को हटाना है। सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक करने से ये पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई फॉल्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर फॉल्ट नहीं होने वाला तो आप उसको कर सकते हैं, और फॉल्ट बता रहा है तो उसका कुछ अलग नियम होता है, उस नियम से आपको करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है तो इस नियम से आपको बता देंगे इसको कैसे सही करना है। तो आपको वायर का टुकड़ा लेना है और यहाँ से थोड़ा सा छील लेना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको वायर को छील लेना है, सिर्फ ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा पीला है और थोड़ा यहाँ पे गुलाबी है, हम रेड वाला को छोड़ देंगे, सिर्फ पीला और गुलाबी और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक है इसमें डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिए और यहाँ पे लिए, अभी हम सेंसर को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेंसर वायर को नहीं कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट भी उसको भी करेंगे ताकि बाहर से निकले ना या दिखे ना। तो यहाँ से इसको लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन हमारी स्टार्ट हो गई, सेंसर वायर हमारी अभी बाहर है, अभी हम गियर डालते हैं। देखिए अभी यहाँ पर देखने को किया था इसका चक्का चल रहा है, यानी बाइक का स्टैंड जो है नीचे है, सेंसर वायर छूटा हुआ है लेकिन इंजन का हवा चल रहा है। अभी हम मोटर लगा रहे हैं, देखिए पूरा तरीके से अभी बाइक चल रही है और यहाँ पे सेंसर जो है इसका वायर है पूरा तरीके से डिस्कनेक्ट है, हटा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको जैक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैक कैसे लगाएंगे, ऐसे जैक को जोड़ दें। अभी देखिए जैक अभी हमें जोड़ दिया, वायर भी हमें जोड़ दिया, यहाँ पे कोई कह नहीं सकता है कि सेंसर आपका हटा हुआ है। आप सर्विस में भी कभी ले जाते हैं तो वहाँ पे नहीं ये बोला जाएगा कि आपका सेंसर हटा हुआ है, इससे आप अपनी बाइक का सेंसर का जो सिस्टम है उसको साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर से चेक करना है कि उसका रेडर कितना आ रहा है, उसका बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है, तब जाके आपकी बाइक का सेंसर आराम से हट सकता है। अभी देखिए पूरे तरीके चल रहा है, हम साइड स्टेशन को ऊपर करें नीचे करें कोई मतलब नहीं है, चक्का चल रही है, बाइक का इंजन भी स्टार्ट है, यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है।